खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। यह घटना उपनिषदों के दिनों की है। श्वेत केतु को उसके पिता ने गुरुकुल भेज दिया। बहुत कम समय में श्वेत केतु ने सभी वेदों शास्त्रों को सीख लिया और अनेक विद्याओं का धनी हो गया। उसकी प्रतिष्ठा पूरे देश में फैलने लगी। अब उसको सिखाने के लिए कुछ और नहीं था। एक दिन गुरु ने श्वेत केतु से कहा, अब तुम वो सब सीख गए हो जो सिखाया जा सकता है, अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो। गुरु के मुंह से ये शब्द सुनकर श्वेत केतु बहुत प्रसन्न हुआ। जो भी कुछ गुरु जानते हैं अब मैं भी जानता हूँ, मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। श्वेत केतु वापस अपने घर को चल दिया। जब श्वेत केतु गांव में प्रवेश कर रहा था, तब उसके पिता उदालक ने खिड़की से अपने पुत्र को वापस आते हुए देखा। पिता ने देखा कि श्वेत केतु की गर्दन ऊंची और अकड़ी हुई है। श्वेत केतु को देखते ही लगता था कि वो खुद को दूसरों से अलग और महान समझता है। उसके हर कदम में झलक रहा था कि उसने बहुत किताबें पढ़ ली है। पिता निराश हुए, क्योंकि जो वास्तव में सत्य को जानता है उसका अहंकार खुल जाता है, उसका बर्ताव इस तरह का नहीं होता। बेटा घर के अंदर आते हुए सोच रहा था कि पिताजी बहुत खुश होंगे, आज मैं देश के सर्वोच्च विद्वानों में से एक हूँ, आज मेरा हर जगह सम्मान है। लेकिन ये क्या, श्वेत केतु ने पिता को उदास और निराश पाया। आश्चर्य के कारण श्वेत केतु खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, तात आप उदास क्यों हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई? पिता ने कहा, मुझे तुमसे केवल एक ही प्रश्न पूछना है, क्या तुमने वह जान लिया है जिसे जानकर कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती? क्या तुमने वह जान लिया है जिसे जान लेने के बाद सारे दुख मिट जाते हैं? क्या तुम्हें वह सिखाया गया है जो सिखाया नहीं जा सकता? श्वेत केतु दुखी हुआ। उसने कहा, नहीं तात, जो भी मैं कुछ जानता हूँ मुझे सिखाया गया है और मैं इसे किसी को भी सिखा सकता हूँ, बशर्ते वो इसके लायक हो। पिता ने कहा, ठीक है, अब वापस जाओ और अपने गुरु से वो सीखने की याचना करो जो सिखाया नहीं जा सकता। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी मुझे माफ कीजिए, ये बड़ी बेतुकी और अटपटी मांग है, जो सिखाया नहीं जा सकता वो गुरु मुझे कैसे सिखाएंगे? पिता ने कहा, ये गुरु की कला होती है, अगर शिष्य में एक खास गुण हो तो गुरु आपको वो भी सिखा सकते हैं जो सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, विलंब मत करो, तुम वापस जाओ। पिता की बातों पर विचार करते हुए श्वेत केतु वापस गुरुकुल लौट आया और गुरु के पैरों पर झुककर बोला, मेरे पिताजी ने कुछ अजीब मांग के साथ मुझे आपके पास वापस भेजा है। मेरे पिता ने मुझसे केवल तब घर वापस आने को कहा है जब तक मैं वो नहीं सीख लेता जो सिखाया नहीं जा सकता। ये कैसी विद्या है गुरुजी? आपने कभी इस बारे में बताया नहीं, ये कैसा रहस्य है? गुरुजी ने बोला, ये ऐसा रहस्य है कि जब तक कोई खुद से न जानना चाहे तब तक इसे बताया नहीं जा सकता। जब तक इसे जानने की इच्छा स्वयं प्रकट ना हो तब तक इस रहस्य को सिखाया नहीं जा सकता। गुरुजी बोले, श्वेत केतु तुमने इसके बारे में कभी जानना नहीं चाहा, इसलिए आज तक ये रहस्य था, लेकिन अब तुम बिल्कुल अलग यात्रा शुरू कर रहे हो। याद रखो, ये नॉलेज बहुत सूक्ष्म है जिसे शब्द और प्राण भी नहीं छू सकते, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी परोक्ष रूप से केवल मार्ग दिखाने में सहायता कर सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद गुरुजी ने श्वेत केतु से कहा, एक काम करो, गुरुकुल में कम से कम 400 गाय बैल और अन्य मवेशी हैं, इन सभी को एक ऐसे घने जंगल में ले जाओ जहां कोई आता या जाता ना हो। इस घने जंगल में तुम इन जानवरों के साथ मौन रहो, ये सब तुम्हारी भाषा नहीं समझेंगे, इसलिए शांत रहो। जब प्रजनन से इनकी संख्या 400 से 1000 हो जाए तब वापस लौट आना। 400 से 1000 बहुत लंबा समय होने वाला था, ना कोई चर्चा करने वाला, ना कोई शास्त्रार्थ करने वाला, ना कोई बोलने वाला। कई किताबों का ज्ञान रखने वाले श्वेत केतु को मौन रहना था। व्याकुल श्वेत केतु के मुंह से शब्द निकले, आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? गुरु ने कहा, तुम्हें वो मिलेगा जो किसी को दिया नहीं जा सकता। गुरु ने कहा, तुम जाओ श्वेत केतु, पहाड़ों के उस पार घने जंगलों में जहां तुम्हारी सोच और ज्ञान का कोई लाभ नहीं, अपनी सारी विद्वत्ता और ज्ञान यहीं छोड़कर जाओ, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। श्वेत केतु जंगल में गया, घने जंगलों में जहां कोई आता जाता नहीं था
और जानवरों की देखभाल करने लगा। 400 से 1000 अभी बहुत लंबा समय था। कुछ दिनों तक श्वेत केतु गुरु की बातों पर गौर करता रहा। कभी अपने जीवन के बारे में सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बीच बीच में कई यादें अतीत की गहराइयों से निकल कर आती। श्वेत केतु ने अपने विचारों को देखना शुरू किया तो उसे एक अलग प्रकार की शांति महसूस होने लगी। कुछ दिनों बाद श्वेत केतु अपने मन से ऊबने लगा, क्योंकि उसने देखा कि एक ही तरह के विचार मन में बार बार चलते हैं। धीरे धीरे श्वेत केतु मन से ऊबने लगा। मन से ऊबने के कारण उसमें वैराग्य विकसित हुआ और श्वेत केतु अब गहन शांति में उतरने लगा। धीरे धीरे श्वेत केतु शांति में डूबने लगा। चलते फिरते, मवेशियों की सेवा करते, उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। उसे भूख लगती तो वो कुछ खा लेता, थक जाता तो सो जाता। एक दिन अचानक श्वेत केतु ने देखा कि उसे जो शांति महसूस हो रही है वो शब्दों से परे है, वो मन से परे है। श्वेत केतु में शांति नहीं, बल्कि शांति में श्वेत केतु है। उसे आभास हुआ कि सारे पशु पक्षी, पेड़ और पत्थर भी इस शांति को महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे वो देखने भर से समझ जाता कि कौन सा जानवर बीमार होने वाला है और कौन सा जानवर दुखी है, जैसे जानवरों की भाषा वो जान गया हो। श्वेत केतु को दूर से देखकर आभास हो जाता कि कौन सा पौधा जहरीला है और कौन सा पौधा औषधि है, जैसे श्वेत केतु ब्रह्मांड की भाषा बोलने लगा हो। श्वेत केतु का सब कुछ, मन, बुद्धि, स्मृति और अहम, सब कुछ इस शांति में घुलने लगा। उसके लिए समय, जगह, दूरी, सब कुछ असीमित शांति में बदलने लगा। श्वेत केतु के आसपास भर होने से गायों के आंखों में आंसू आ जाते। मवेशी भी श्वेत केतु की आनंदमय उपस्थिति महसूस करते। इस तरह वर्षों बीतने लगे। श्वेत केतु का लक्ष्य भी आनंद में खो गया था। जब मवेशी 1000 हो गए तो वे इंतजार करने लगे कि कब श्वेत केतु उन्हें वापस आश्रम ले आए। श्वेत केतु को क्या पता कि उसे कब वापस लौटना है। एक दिन कई सारी गाय श्वेत केतु के निकट आकर खड़ी हो गईं और सर से श्वेत केतु को धक्का देने लगीं, जैसे वो कह रही हों अब आश्रम चलने का समय आ गया। श्वेत केतु को याद आया तो मवेशियों के साथ वापस चल दिया। जब गुरु ने श्वेत केतु को 1000 गायों के साथ आते हुए देखा तो उन्होंने दूसरे शिष्य से कहा, देखो 1000 एक गाय आ रही हैं। गुरु देखते ही समझ गए थे कि श्वेत केतु का अहंकार, ज्ञान, गर्व और व्यक्तित्व सब कुछ खुल चुका है। गुरु की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। वे उन्मत्त होकर झूमते हुए श्वेत केतु से मिले, गले लगाया और कहा, अब कुछ सीखने को नहीं है। इस आनंद को किन शब्दों में कहा जा सकता है? अब तुम जा सकते हो। श्वेत केतु ने कहा, मैं बस आपके चरण छूने आया हूँ। आपका बहुत उपकार है मुझ पर, मैं धन्य हूँ। आपने मुझे वो सिखाया जो सिखाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस कहानी से 3 लेसन, मास्टर और गुरु क्या करते हैं। ओशो कहते हैं कि यही मास्टर करते हैं। वे शिष्यों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहां उन्हें शांत होकर मन और अहंकार को देखना पड़े। मन और अहंकार को देखने से पता चलता है कि मन के पीछे शांति है, और तभी वैराग्य या डिटैचमेंट पैदा होता है। दूसरी बात, मन एक ही तरह से बार बार घूमता है। ओशो कहते हैं कि मन एक मानवीय रचना है। मन को लगातार कुछ ना कुछ इनपुट और अटेंशन मिलता रहता है, इसलिए मन जिंदा रहता है। ओशो कहते हैं, यदि नए विचार में उलझा ना जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मन सिर्फ दोहराव है, एक ही पैटर्न के विचार मन में चल रहे हैं। जब आप मन से ऊबने लगते हो, जब आप मन और इसके विचारों में इंटरेस्ट खो देते हो, तब जाकर डिटैचमेंट या वैराग्य पैदा होता है। तीसरी बात, इस शांति को अनुभव करो। जब आप अगली बार आंखें बंद करो तो सोचो कि आप एक गहरी गुफा में प्रवेश कर चुके हो। ये गुफा आपके ध्यान के लिए उपयुक्त है। दुनिया के कोलाहल से दूर यहां थोड़ी देर शांत बैठो। मन या विचार जो भी प्रकट हो उसे केवल देखो। मन के पीछे एक शांति है। इस अनुभव को, इस आनंद को, इस शांति को किताबों से नहीं जाना जा सकता, इसलिए स्वयं अनुभव प्राप्त करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो 7-मिनट गाइडेड मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए और बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपको अभ्यास करने से फोकस में भी लाभ होगा। और याद रखिए,
आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।